हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर में पॉटरी नगरी के नाम से जाने जाने वाला खुर्जा में स्थित एक्सपो ट्रेंड सेंटर का डीएम रविंद्र कुमार द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। निर्यात व्यापार केंद्र में विभिन्न पॉटरी उद्यमियों द्वारा पॉटरी में बनाई जा रही सिरेमिक्स को प्रदर्शित किया गया। जिलाधिकारी ने एक्सपो ट्रेंड सेंटर में बनाई गई दुकानों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न प्रकार की आकर्षक पॉटरी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति पॉटरी खरीदने बाहर से आता है तो उसे यहाँ की पॉटरी के संबंध में अधिक जानकारी नहीं है, तो उसके लिए ट्रेड सेंटर में सभी प्रकार की पॉटरी में बनी सिरेमिक्स उपलब्ध रहेगी, जिससे पॉटरी खरीदने में आसानी रहेगी। जिलाधिकारी ने ट्रेड सेंटर परिसर में पौधारोपण भी किया। इस विषय में हमारे संवाददाता हामिद सैफी ने पॉटरी एसोसिएशन के सचिव निखिल पौदार से खास बातचीत की। पॉटरी एसोसिएशन के सचिव निखिल पौदार मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या कुछ इसका उद्देश्य है एक्सपो ट्रेड सेंटर का और क्या कुछ लोगों को इससे फायदा होने वाला है। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जो एक्सपो ट्रेड सेंटर का जो उद्घाटन किया गया है, क्या इससे लोगों को आने वाले टाइम में फ़ायदा होगा और किन किन लोगों को इससे फ़ायदा होने वाला है? जब कोई भी किसी भी चीज़ का हब बनता है तो उस हब में तमाम तरह की शॉप्स, जो फैक्ट्री ऑनर्स हैं वो लोग अपने ऑफिसेज खोलते हैं, जो डिस्प्ले सेंटर है। जब कोई भी बाहर से टीम आती है कि हमको एक्सपोर्ट करना है या कोई भी अपना प्रोडक्ट उसको लेना है, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर है, तो उसको यहाँ आने के बाद में इधर उधर नहीं घूमना पड़ेगा, वो एक ही कैंपस में उसको सब चीज़ें मिल जाएंगी, जस्ट लाइक एग्जीबिशन। अच्छा, ये जैसे खुर्जा में 500 से अधिक पॉटरी माने जाती हैं, तो क्या लगभग ऐसी पॉटरियां हैं यहाँ पर, पॉटरियों के ब्रांचेज हैं जो यहाँ पर उनके माल देखने को मिल जाएगा, या फिर अलग अलग एक एक स्थान पर पॉटरी में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सपोर्टर के लिए? अभी गवर्नमेंट ने यहाँ पर 25 शॉप्स अलॉट की हैं ऑफिसेज, इसके बाद जब गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करेगी तो उन लोगों को ही मिल जाएंगी। स्टार्टिंग में जिन लोगों ने इंटरेस्ट क्रिएट था उन लोगों को यहाँ शॉप्स अलॉट हो गए। अच्छा, तो और क्या कुछ इसके लिए तैयारी की गई थी जो एक्सपोर्ट ट्रेड सेंटर बनाया गया है, और क्या कुछ के लिए? काफ़ी एसोसिएशन की तरफ से और एक जिलाधिकारियों की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए गए थे कि इस टाइप का एक हब होना चाहिए, चूँकि खुर्जा स्पेशलिटी है सिरेमिक्स में, तो एक सिरेमिक्स का एक्सपोर्ट ट्रेड सेंटर यहाँ होना चाहिए था। जिलाधिकारी ने पॉटरी उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुनते हुए कहा कि समस्याओं का निस्तारण शीघ्र कराया जाएगा। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई, सड़कों को सही कराने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। उन्होंने कहा कि पॉटरी से निकलने वाले वेस्ट को एक जगह ही डाला जाएगा। इस अवसर पर SSP संतोष कुमार सिंह, जॉइंट मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया सहित पॉटरी कारोबारी उपस्थित रहे। अच्छा, फैक्ट्री एरिया के लिए भी आपने समस्याएं रखी हैं अपनी, कि सड़क निर्माण, नाला निर्माण जैसी डेवलपमेंट को लेकर, तो उस पर किस तरह का DM ने आश्वासन दिया? DM साहब ने कहा है कि मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है, जिसको जो भी प्रॉब्लम हो वो उस पर डाल सकते हैं। बाकी DM साहब समय समय पर संज्ञान में हम लोगों से मीटिंग करके लेते रहते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनको अवगत करा दिया गया है और वो एक्शन चल भी रहा है और हम चाहते हैं कि और फास्ट हो। तो ये थे निखिल पौदार, इनका कहना है कि जो एक्सपोर्ट सेंटर बनाया गया है, एक तरह से हब बनाया गया है, जहां एक्सपोर्टर जो भी माल लेने के लिए आते हैं उन्हें दर दर भटकने की या फैक्ट्री जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर उन्हें जो खुर्जा में बनने वाला सिरेमिक है वो यहीं मिल जाएगा। इसके अलावा एक DM साहब ने इन्हें बताया कि एक वेबसाइट डेवलप की गई है, जिस पर कोई भी इनकी शिकायत है उसका शिकायत दर्ज कराकर समाधान किया जा सकता है, और देखते हैं कि अब और इसमें इस विषय में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और किस तरह का डेवलपमेंट और खुर्जा पॉटरी नगरी के लिए किया जाएगा। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24 न्यूज़, बुलंदशहर। Time 24 न्यूज़, जज्बा सच दिखाने का।